दवाई का काम करता है। किस चीज का काम करता है? ये दवाई का काम करता है। ये देखिए जी कितना गंदा पानी है, आप एक बात देख लीजिए। बिल्कुल गाइस, इस पानी में ना ऐसे ही कोई बढ़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फिलहाल खड़ा हूँ ना, काफी ज्यादा बदबू आ रही है। गाइस आपने नदी तो काफी देखी होगी, लेकिन क्या आपने काली नदी देखी है? देखिए उसमें तो पहली बार देख रहा हूँ फिलहाल, जो आपको मेरे बैक साइड से दिख रही है यह काली नदी के नाम से फेमस है। इसके अंदर जितना भी पानी आ रहा है वह बिल्कुल डर्टी है, यानी कि बिल्कुल गंदा है। चलिए पहले गाइस इसकी हम आपको खूबी बताते हैं, क्या है इस पानी की खूबी, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा मिला था हमको, जो यहाँ पर रहने वाला है, उसने हमें इसकी खूबी बताई, वह खूबी मैं आपको बारी बारी से इस व्लॉग में बताने वाला। जहन गाइस नाम मेरा आदिल है और आजान व्लॉग्स के नाम से छोटा सा यूट्यूब चैनल है, जिस पर डेली व्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ और फिलहाल डाल भी रहा हूँ। गाइस फिलहाल मैं गया था अपने दोस्त के साथ, एक मैदी में गया था जो फिलहाल बैक साइड में है। इनके जो मामा थे उनके लड़के की शादी थी, फिलहाल वहीं से मैं यहाँ पर रिटर्न हो रहा था इस रास्ते से, तो मुझको रास्ते में यह जो काली नदी है यह दिखी, तो मैंने सोचा एक व्लॉग इसका भी बनाकर डाल दिया जाए याद के लिए। तो फिलहाल मैं इसी व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखिए गाइस जिसमें ना जितना भी पानी आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा यह बिल्कुल गंदा पानी है। क्या है जी? बिल्कुल गंदा पानी। इसकी खास बात बताऊँ आपको क्या है, इसकी खास बात यह है, फिलहाल रास्ते से जाता हुआ हमको यहाँ पर एक बंदा दिखा जो यहीं का रहने वाला था, वह इसकी खास बात बता रहा था कि अगर किसी के एलर्जी, कैसी भी एलर्जी हो इस पानी से नहाने से, अपने बदन पर लगाने से वह ठीक हो जाती है। यानी यह दवाई का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? ये दवाई का काम करता है। ये देखिए जी कितना गंदा पानी है, आप एक बात देख लीजिए। बिल्कुल गाइस इस पानी में ना ऐसे ही कोई बढ़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फिलहाल खड़ा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है इसमें से, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है रियली में। और जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत होती है तब तो वह कुछ भी कर सकता है अपने आप को ठीक करने के लिए। यही सिस्टम से गाइस इस पानी का, जब किसी के एलर्जी होती है तो वह मुसीबत में ही इस पानी को यूज़ करते हैं नहाने के लिए। वह बंदा बता रहा था, इसी बात मेरे को वीडियो में बोलनी नहीं चाहिए, कि इसमें हमने जो अपने आप में अंडिका बनते हैं ना, ऐसे औरतें और ऐसे मर्द भी नहाते हुए देखे हैं इस पानी में, क्योंकि मुसीबत है जब सर पर तो नहाना तो पड़ता है अपने आप को ठीक करने के लिए। दूर तक नाला दिखाई दे रहा है, मैंने अपने पेरेंट्स से सुना तो था इसके बारे में कि काली नदी भी है, सुना था, लेकिन आज मैंने इसको देख भी लिया। ये है जी काली नदी। इधर तो आपको साइलेंट दिख रहा है पानी, और इधर आपको थोड़ा फुवारेदार जा रहा है, थोड़ा प्रेशर बन के जा रहा है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर दिया है इन्होंने इसका यह सिस्टम्स। रियली गाइस यहाँ पर ना खड़े होकर इतनी बदबू आ रही है इसमें से, और इसमें लोग नहाते हैं, मजबूरी में नहाते हैं ना, जब किसी को प्रॉब्लम है एलर्जी की, तो इसलिए वह यहाँ पर आकर नहाते हैं। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपको काली नदी से दिखाया, जो पड़ती है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक गांव है वहीं पर यह काली नदी पड़ती है, उसी गांव सॉरी उन्हीं खेतों से गुजरकर फिलहाल यह जा रही थी। और मैं फिलहाल यहां पर एक रोड पर खड़ा हूं, पीछे मेरी बाइक है, यहीं से गुजरकर हम अपने घर पर जा रहे थे, तो हमको यह रास्ते में नदी मिली। शायद आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसे अपने दोस्तों पर शेयर करें, इसे अपनी तस्वीर इतना रखें। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट प्रकार के लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हमारा ख्याल जरूर रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।